Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. क्या हो रहा है ये? लियो और मैं खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो? किंग ऑफ द टाइगर और टिक किंग है। हाँ, अमूर टाइगर मशहूर हुआ था एक जमाने में किंग ऑफ टाइगर के नाम से। जैसे वो देखो ऊपर, सफेद गर्दन वाला ईगल आसमान का किंग है। द किंग ऑफ द स्काई। मैंने इस बारे में पहले नहीं सुना। हमें इसकी कहानी सुनाए मापा पेंडिगा। आप हमें सुनाएंगे ना? सुनाता हूँ। परिंदों की दुनिया में उस वक्त कोई इंसाफ नहीं हुआ करता था और ताकतवर के सामने कमजोर बेबस थे। फिर परिंदों ने ये फैसला किया कि हमारा भी कोई किंग हो जो ताकतवर, इंसाफ करने वाला और रहम दिल हो। ईगल को किंग बना दिया गया, लेकिन गिद्ध ना माना और अपनी ताकत दिखाने के लिए ईगल को चैलेंज कर दिया। मैं तुम्हें किंग नहीं मानता, किंग वो होगा जो सूरज निकलते ही पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहले पहुंचेगा। रात होते ही गिद्ध ने चुपके से ईगल के पर चुरा लिए और चोटी की तरफ उड़ने लगा। जैसे ही सूरज निकला, उसने गिद्ध को जलाकर काला स्याह कर दिया। बेईमान गिद्ध की हार हुई और ईगल को सूरज ने नए पर दे दिए। तब से आज तक वो किंग ही कहलाता है, आसमान का किंग। वाह, क्या उड़ान है। सही कहते हैं, सच्चाई का अंजाम होता है अच्छा। मापा पेंटी का, तो फिर ईगल के पुराने पर कहाँ गए? पता नहीं, शायद उस पहाड़ पर हो जहाँ वो ईगल रहता हो। अच्छा भाई, बस भी करो, बहुत सारे काम है, मैं चलता हूँ। ठीक, क्या तुम वॉक पर चलना चाहोगे? मगर कहाँ? वेल, किसी खास जगह नहीं, बस थोड़ा घूम के आते हैं। वैसे मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। लियो, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? थोड़ा और ऊपर जाओ। क्या हो गया है लियो? यहाँ कुछ खास नहीं, तुम्हें क्या यही जगह मिली थी? देखो तो नीचे, हम काफी ऊंचाई पे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दूसरी जगहों पर ईगल के पर नहीं मिलते। मगर लियो, कम ऑन टिक, हम चल रहे हैं ईगल माउंटेन पे। तुम पागल हो गए हो क्या? लियो, ये सबसे ऊंचा और बहुत ही खतरनाक पहाड़ है। लियो, टिक, वो दोनों गिरने वाले हैं। मुझे सबको मदद के लिए बुलाना चाहिए। दादा जान, जब मैं ऐसे करके भागता हूँ तो उड़ने लगता हूँ। आप तो मुझे उड़ते हुए नहीं देख सकते। भागो 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 भागो, जंप! पहली बार माफ होती है, इस बार मैं उड़ के दिखाऊंगा। हाँ, उड़ोगे उड़ोगे, ईगल हो आखिर, लेकिन अभी आप उड़ने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। नहीं 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 दादा जान, मैं उड़ा था, पहले भागने फिर जंप। एल्डर ईगल, हमने अभी एक लेपर्ड और टाइगर के बच्चे को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा है।
टाइगर और लेपर्ड आपसे मिलने आए हैं। जाके पता करो क्यों आए हैं यहाँ। लियो, हमें परों की क्या जरूरत है? हम ऐसे ही ठीक हैं। जरा सोचो, अगर तुम्हें वो एक पर मिल जाए तो ना सिर्फ तुम किंग ऑफ टाइगर बन जाओगे बल्कि किंग ऑफ स्काई भी। मुझे आसमान का किंग नहीं बनना, मेरे लिए टाइगर ही काफी है। एक पत्थरों से बचो। लियो, तुम बहुत पत्थर गिरा रहे हो नीचे। ये मैं नहीं हूँ, ये एक बड़ा पत्थर है। वो पत्थर हमें कुचल चुका होता। खुशामदीद यहाँ पर। क्या बात है कि बगैर पर वालों को यहाँ आना पड़ा? दरअसल हम लोग यहाँ पर ढूंढने के लिए आए थे ताकि टिक आसमान का किंग बन सके। आसमान का किंग सिर्फ परों से काम नहीं बनेगा। परों से काम नहीं बनेगा? क्या मैं कभी किंग नहीं बन सकता? ये तो गिद्ध हैं। इनकी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ नजर आने की? फिक्र मत करें सर, हम इन्हें देखते हैं। यहाँ से जाना है अब तुम्हें, जल्दी। जल्दी किस बात की है? बहुत वक्त हुआ तुमसे मुलाकात नहीं हुई। वही वाला काला का लूटा गिद्ध? तुम सही कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। हाँ, मगर इस वक्त तुम्हारे हिमायती तुमसे दूर है और तुम जैसा एक अंधा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दादाजान, दादाजान। जाने दो इसे। नहीं, हरगिज नहीं, इसे आखिरी बार गुड बाय कर दो। बचाए मुझे, बचाए दादाजान, बचाए। तुम यही रखना, मैं अभी आता हूँ। लियो, रुको, रुक जाओ वहीं, छोड़ दो उसे। अब ये नन्ना शैतान कौन है? पकड़ लो इसे भी। नहीं, छोड़ो इसे, मेरे दोस्त को छोड़ दो। गुड बाय। हमें उन्हें बचाना होगा फौरन। जानता हूँ मुझे क्या करना है, लेकिन अंधा क्या कर सकता है? मगर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ आपकी आंखें बंद कर। आप डरेंगे तो नहीं बगैर परों के उड़ने से? ना ना ना। हाँ, मैं थोड़ा डरपोक हूँ, मगर उन्हें नहीं छोड़ सकते हम। चलो। लेफ्ट, अब राइट, थोड़ा और। आहा, वो हमारे सामने ही है। वो तो पहाड़ के बीच में चले गए। ये तो काफी छोटी जगह है। फिकर मत करो, मैंने अपनी सारी जिंदगी इन्हीं पहाड़ों और रास्तों में गुजारी है। एक एक पत्थर मुझे जानता है यहाँ। फाइनल काउंटडाउन शुरू करो। बैस 3, 2, 1 एंड गो। ये तो ऑसम है, हम उनके करीब ही हैं। ओ, तो यहाँ तक आ गए। मेरा अंदाजा गलत था, लेकिन तुम इन्हें हासिल नहीं कर सकते। नीचे फेंक दिया है, वो गिर रहे हैं, हमें उन्हें पकड़ना होगा। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि वो ईगल्स के रहने की जो ये मैंने क्या कर दिया? मुझे ये कहानी नहीं सुनानी थी उन दोनों को। वहाँ देखिए,
वहाँ पर पेंडी का वो उड़ता हुआ कौन आ रहा है? लियो, टेक, वो उड़ रहे हैं। दादाजान, इधर नीचे उतरना है अब। यहाँ। थैंक यू। नहीं, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। तुम एक बहादुर टाइगर हो। तुम वाकई किंग हो। एक किंग? कौन? टेक? हमसे मिलने आना, जब भी आ सको। आसमान का किंग किंग का इंतजार करेगा। जल्दी आना, मिलके उड़ेंगे। दादा जान, फॉलो मी। चले घर चलते हैं। बाय बाय। गुड बाय। अच्छा उड़े हो। वेल, थैंक्स। छोड़ो, मिलकर बोल दूंगा। अच्छा फिर किंग, क्या खेलना पसंद करेंगे? भूल जाओ मीना, मैं कोई किंग नहीं हूँ। क्यों लियो, ऐसा ही है ना? रुको। हमेशा हर काम ईमानदारी से करना चाहिए। Honesty is the best